पांच राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब अलग अलग तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सरकार और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। इस दिन एग्जिट पोल का भी टेस्ट होना है कि ये एग्जिट पोल कितने सही हैं और कितने गलत। नमस्कार, मैं नितेश ठाकुर। एग्जिट पोल के बाद नेताओं की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। कभी कभी एग्जिट पोल चुनावी राज्यों का मूड बताने में सफल रहते हैं और कभी बिल्कुल नतीजों से उलट हो जाते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1980 से 2019 तक आए 900 एग्जिट पोल का अनुमान बताता है कि 82% चुनावी मूड बताने में सही रहते हैं। एग्जिट पोल के गलत होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये 2 से 3% लोग सही जानकारी नहीं देते हैं और जिसके कारण डेटा पर असर पड़ता है। क्या होता है एग्जिट पोल? बता दें कि एग्जिट पोल वोटिंग वाले दिन किए गए सर्वे पर आधारित होता है। इनमें मतदाताओं से कई तरीके के सवाल किए जाते हैं और वोटरों के जवाब पर एनालिसिस किया जाता है, लेकिन इस डेटा माइनिंग में छोटी सी चूक गलत तस्वीर दिखा देती है। क्या होता है एग्जिट पोल? सही नतीजे के लिए सर्वे एजेंसियों का वोट शेयर के ठोस अनुमान पर पहुंचाना और सीटों में कन्वर्ट करना होता है। सर्वे का एक भी स्तर गलत हुआ तो रिजल्ट उल्टा हो सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भारत में चुनावी डेटा समझ रखने वाले सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। बड़े डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोर्स भी नाम मात्र के लिए है। ज्यादातर मतदाता सच बोलते हैं पर कुछ गलत जानकारी भी दे देते हैं। 2 से 3% ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते। ऐसे में थंब रूल तो ये है कि 1% वोट ही बड़ा गेम चेंजर होता है। लेकिन विजेता सही दल की सीट 17% कम आंकते हैं। 75% पोल विजेता पार्टी की सीट कम तर आंकते हैं। औसतन विजेता पार्टी को पोल में दिखाई गई सीट से 17% अधिक सीट मिली है। लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 14% है। तो अब ये समझने की बात है कि हमें एग्जिट पोल पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, चंद समय का वक्त बचा हुआ है, कल सब साफ हो जाएगा कि जनमत के संग्रह और सत्ता के संग्राम में कौन बाजी मारेगा। धन्यवाद।